दोस्तों मैं लेके आया हूँ हेयर कटर, किमी हेयर कटर। मीशो से लाया हूँ और इसको आज अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूँ आपको कि इसके अंदर है क्या और इसके क्वालिटी कैसे है, दिखने में कैसे है, आपको सभी चीज़ बताने वाला हूँ। आप थोड़ी देर हमारे वीडियो में रुकिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए ताकि हम और भी वीडियो लेके आ सकूँ, हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। चलिए हम इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ क्या है क्या दोस्तों। हाँ, किमी किमी का मशीन आपने ये देखा होगा फोटो, और फ्लिपकार्ट अमेजन किधर भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा ये। वैसे तो दोस्तों ये करीब 900 रुपये का है और ऑफ़र के टाइम में 700 रुपये तक मिल जाता है, 700-750 रुपये तक मिल जाता है ऑफ़र के टाइम में। हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको बाकी ये सब देखने को मिल जाएगा, मॉडल नंबर, ये चार्जर पेन, ये वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको। देखिए दोस्तों, आप देख के यूज़ कर सकते बिल्कुल। और दोस्तों इसके साथ क्या क्या है, चलिए दोस्तों इसको खोलता हूँ इसके अंदर। हाँ दोस्तों, इसको ओपन करता हूँ, इसको देखता हूँ, इसको इधर ही रहने दो फिलहाल, इसको खोल के देखता हूँ। हाँ दोस्तों, ये है मशीन केमी का। हाँ, तो इसके अंदर अच्छे पैकिंग है, इधर रहने दो और पहले मशीन को उठाता हूँ। हाँ इसको अच्छा दोस्तों, इसी में एक नंबर दो नंबर पैन दिया हुआ है, जीरो कटर एक नंबर ऐसे, और आपको मशीन की परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है। आवाज़ साउंड देखिए दोस्तों, क्या साउंड है ज़बरदस्त, मशीन भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। और इसमें दिखा रहा है 44 चार्ज, मतलब आपको इसमें चार्जिंग दिखा रहा है। और बाकी क्वालिटी, वजन हेवी अच्छा है, मजबूत है दोस्तों। अच्छा चलो दोस्तों, ये तो देखा हूँ हमने, इसके अंदर यार मस्त मशीन है दोस्त, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ये है चार्जर पॉइंट, ये आप कहीं भी हैंगिंग करके रख सकते हो आप। और दोस्तों इसके साथ एक दो तीन चार, ये चार पॉइंट आपको मिलता है कम ज़्यादा कट करने के लिए। हाँ दोस्तों, इसके बाद ये ऑयल है जो आप इसको लगाने के लिए। और दोस्तों ये चार्जर है, हाँ चार्जर पॉइंट बहुत अच्छा है, हेवी भी है और बहुत फास्ट चार्ज होता है दोस्तों, ऐसे कुछ नहीं, अच्छा चार्जिंग है। और दोस्तों ये चीज़ है, ये आप समझ रहे होंगे क्या है भाई, लेकिन है सर बहुत कम की चीज़ है। ये देखिए, ये इसके अंदर लगाने का, ऐसे रख देने का ताकि ब्लेड ख़राब नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, फिलहाल हम इसको खोलता हूँ कि इसकी इसके चला के हम और देखने वाले हैं इसके अंदर और क्या है। हाँ दोस्तों, ये एक ब्रश है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका परफॉर्मेंस देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि लेना चाहिए, मैंने इससे कटिंग भी किया है दोस्तों, इतना फर्स्ट और अच्छा कटिंग होता है, आपको क्या ही बोलूँ। इसका जीरो नंबर, बड़ा नंबर, पहले ये लगेंगे आपको एक नंबर, इसको खोलने के बाद ये है सर, ये तीसरा नंबर दिख रहा है मेरे को, तीसरा या चौथा, ठीक है जो भी है, काटने के बाद हमें सब पता चल जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, और आपको इसके बारे में अभी जो भी जानकारी है इतना ही है मेरे को लगता, आपको फ़िलहाल तो इतना ही मालूम पड़ेगा। हाँ एक बात है, इसके अंदर ये थोड़ा सा ब्लेड हीट होता है, गर्म होता है, क्या मालूम कि ये मशीन के प्रॉब्लम है क्या, ये कंपनी का, ये समझ में नहीं आ रहा कि थोड़ी देर बाद दाढ़ी कटिंग किया ना, थोड़ी देर के बाद है ना, थोड़ा सा गर्म होता है ये ब्लेड, और यही मेरे को बुरा लगता है क्योंकि ये गर्म हो गया और अपना मुंह पे किधर भी चिपकाया इधर उधर दाढ़ी वीढ़ी बनाने के लिए, और थोड़ा गर्म गर्म लगा तो अच्छा नहीं लगता, इतना खास नहीं लगता। बाकी इसका बैटरी परफॉर्मेंस, मशीन परफॉर्मेंस, कटिंग, ब्लेड, बाकी सब कुछ ओके है, बढ़िया चलता है, अच्छे है, बाकी कोई टेंशन नहीं इसके अंदर दोस्तों, सिर्फ इतना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी आप देखिए, सोचिए, उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए। मेरे को अभी मैंने प्रोसेस कर लिया दोस्तों, अब मेरे को तो यूज़ करना ही है, मैं तो इसको यूज़ करता ही हूँ। अभी आपका, आप देखिए, आप सोचिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, 700 रुपये में और क्या देंगे आपको, यही ना, 700 रुपये में इससे ज़्यादा और क्या देंगे आपको, बहुत मस्त पीस दे रही, बहुत अच्छे है, बढ़िया मशीन है।